नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में सियासी घमासान जारी है। जेडीयू की कमान संभालने के बाद से ही ललन सिंह का असर पार्टी में दिखने लगा है। आपको बता दें कि जेडीयू से नाराज होकर लोजपा ज्वाइन करने वाले भगवान सिंह कुशवाहा ने अपनी घर वापसी की है और एक बार फिर से उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया है। आज ही उन्होंने अपनी घर वापसी की और इस मौके पर ललन सिंह ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। इतना ही नहीं, ललन सिंह ने तो मजाकी अंदाज में ये भी कहा कि अब गुस्सा होकर कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही बने रहिएगा और हम सब मिलकर पार्टी को नंबर वन पार्टी बताएंगे। आपको बता दें कि 3 दिन पहले ही ललन सिंह ने अपने रूठे हुए साथियों को न्योता दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनकी नाराजगी दूर कर सकूं और एक बार फिर से पूरा परिवार एक साथ हो जाए, और अब ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। इस मौके पर क्या कुछ कहना है भगवान सिंह कुशवाहा का, किस तरह से उनकी घर वापसी की गई, पहले देखिए। आठ महीना पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था और खुदा ना खास्ता विधानसभा के चुनाव के वक्त हम घर से वैचारिक मतभेद के कारण अलग जरूर हो गए थे, दल में चले गए थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी और ललन जी के पास से भगवान सिंह कुशवाहा नहीं था। आपको बता दें कि ललन सिंह ने पार्टी की कमान संभालते ही पूरी पार्टी को अपने कंट्रोल में कर लिया है और उनकी तरफ से अब प्लानिंग की जा रही है कि किस तरह से रूठे हुए साथियों को एक बार फिर अपने पास बुलाया जाए। इतना ही नहीं, इस बार ललन सिंह ने कमर कस के तैयारी कर ली है कि किस तरह से वो पार्टी को नंबर वन पार्टी बनाए, और जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जेडीयू तीसरी नंबर की पार्टी बनकर रह गई, तो इस पार्टी को एक बार फिर से नंबर वन की पार्टी बनाई जाए। और यही कारण है कि अब भगवान सिंह कुशवाहा ने अपनी घर वापसी की। उन्होंने भी कहा कि कुछ वजह थी कि मैं गया था, लेकिन अब मैं एक बार फिर से ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के
साथ खड़ा हूं और भव्य तरीके से उनकी पार्टी में स्वागत की गई है। ललन सिंह के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है और इस बार तो दावा करते हुए ललन सिंह ने यह भी कहा है कि जितने भी साथी नाराज होकर गए हैं, मैं उन सब को एक एक करके पार्टी में वापस लेके आऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन नेशन के साथ। नमस्कार।